नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं आचार्य दीपक कौशिक, स्वागत है हमारे दैनिक राशिफल और सुप्रभात के इस सुप्रभात प्रोग्राम। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आपको आपकी जन्म तारीख और समय के हिसाब से आपका कारण भी बताना है। आज भी एक गुड़िया ने अपनी डिटेल डाली, अपनी समस्याएं डाली है, उनको आज बताएंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे आपको। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। 11 अप्रैल 2022, श्री चैत्र शुक्ल पक्ष संवत 2079, वार सोमवार है आज, तिथि दशमी तिथि है। चंद्र राशि की बात की जाए तो कर्क राशि का चंद्रमा है, नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र है, दिशाशूल पूर्व दिशा का दिशाशूल है। राहु काल की बात कर लेते हैं, प्रातः 7:45 से लेकर 9:18 तक राहु काल है। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, प्रातः 9:31 से लेकर 10:30 तक शुभ मुहूर्त है। इस काल में शुभ कार्य मांगलिक कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। धनु मेष और सिंह राशि वाले जातक आज कोई भी शुभ कार्य न करें, आपके नाम से चंद्रमा श्रेष्ठ नहीं है। शुरुआत करते हैं आज के राशिफल। मेष राशि, समाज में आपको लेकर सकारात्मक भावनाएं बनेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी, बाजार में आपको लेकर सकारात्मक छवि बनेगी और ग्राहकी में बढ़ोतरी होगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला। वृषभ राशि पर चलते हैं। वृषभ राशि आज के दिन बताते हैं कि कॉलेज के किसी काम पर खर्चा होगा, मित्रों का भी साथ मिलेगा, पढ़ाई में कुछ नया अनुभव करने को मिलेगा, कॉलेज के किसी फंक्शन में ज्यादातर समय व्यतीत होगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। यदि प्रेम संबंध है तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, आप दोनों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी तथा कुछ चीजों को लेकर चर्चा भी होगी, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने की सोच सकते हैं। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। कर्क राशि पर चलते हैं। घर के सदस्य आपके काम और व्यवहार के प्रसन्न दिखाई देंगे और आपकी बुद्धिमता की प्रशंसा भी होगी, कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा संभव है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। सिंह राशि पर चलते हैं, हमारी सूर्य देव की राशि है। यदि आप मैनेजमेंट या बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, भविष्य को लेकर आश्वस्त रहें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। कन्या राशि, आज का दिन व्यवहारिक यात्राएं होंगी जिसमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, व्यापार से अच्छा लाभ धन अर्जित कर सकते हैं। आज कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ आर्थिक सुख की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी। तुला राशि, समय की पाबंदी आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देगी, भाई बंधों में जमीन जायदाद को लेकर बात हो सकती है, मन पढ़ने में खूब लगेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा, आप अपनी वाणी और बातचीत इसके अपने कौशल के बूते अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। आज आपको नई नौकरी मिल सकती है, आप बहुत समझदारी भरे कुछ काम करेंगे। आज शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। धनु राशि, आज आपका सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण और आपके कुशल और कड़े अच्छे प्रयास आपको दिन भर सफलता दिलाने में सक्षम रहेंगे, आपको भविष्य का पूरा साथ मिलेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग तोतिया। मकर राशि पर चलते हैं। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा, एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भरा रह सकता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। कुंभ राशि पर चलते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत समृद्धि और सफलता वाला है, आज आपका साहस जोखिम लेने की प्रवृत्ति चरम पर रहेगी, आपका यश भी बढ़ेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग बैंगनी। मीन राशि पर चलते हैं। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य असंभव नहीं लगेगा, अपने पक्के इरादों और समझदारी के बूते ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त करने वाले हैं। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा। आज कल किसी गुड़िया ने पूछा था, रिद्धि नाम है, रिद्धि, तो उन्होंने उनका सवाल था कि वो सीएस की अभी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही उनकी शादी के बारे में उनको पूछना था। तो सबसे पहले तो गुड़िया को ये बताता हूँ मैं कि आप ये मेरे को आपको परामर्श देने से पहले आप सबसे पहले आप अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लोगों को भी इसमें जोड़िए, जिससे लोगों को आध्यात्मिक जानकारी भी समय समय पर मिलती रहे। तो आपकी जैसे कुंडली मैं देख पा रहा हूँ, आपकी जो नाम है आपका रिद्धि, घर वालों ने इच्छा से निकाला था, आपका दिव्या नाम होना चाहिए था जन्म पत्रिका के हिसाब से। थोड़े से भावुक किस्म के हो आप, थोड़े से इमोशनल स्वभाव के जरूर हो। मंगल आपका नीच अवस्था में है, बृहस्पति बहुत अच्छा है, बृहस्पति विद्या का, शिक्षा का, वाणिज्य संबंधित
एजुकेशन संबंधित होता है, तो आप सीएस की तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए, सीएस में आपको 100% सफलता मिलेगी, कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे जरूर। लेकिन मंगल का प्रभाव थोड़ा नीच अवस्था में अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है और विद्या के घर पे है, तो आप मंगल के उपाय के लिए अनामिका अंगुली में छल्ला पहनिए, ताम्र छल्ला, तांबे का छल्ला। दूसरा, 7 मंगलवारों को अनार अपनी श्रद्धा अनुसार अपने ऊपर से 7 बार उतार कर और गायों को आप खिलाएंगे, तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और 2023 के वर्ष में आपका विवाह योग बनता है। सीएस की पढ़ाई में अच्छे से मेहनत कीजिए। चंद्र थोड़ा मंगल के कारण समस्या पैदा बहुत हो रही है, भगवान बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप जल्द ही कामयाब हो जाए, प्रगति के रास्ते पर चले, आशीर्वाद है। धन्यवाद। यह वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।